आई शपथ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा। मरजावा सच में साल 2019 की बेस्ट पिक्चर है। लोग कुछ भी कह रहे हो अभी आपसे, सच यह है कि 90s वाले मसाला एंटरटेनर की दुनिया को सजीव कर देने वाली मरजावा बेस्ट, BEST बेस्ट पिक्चर है। कैसे? चलिए सिलसिलेवार बताता हूँ कैसे। हाँ तो भैया, मरजावा को बेस्ट कहने से मेरा तात्पर्य था B फॉर बोरिंग, E फॉर ईयर एक, S फॉर स्टूपिड और T फॉर टॉर्चर, यानी BEST बेस्ट पिक्चर ऑफ 2019। ईयर एक का मतलब होता है जैसे हेडेक होता है ना, सरदर्द, जो कि इस फिल्म को देखकर बहुत होता है, वैसे ही कानों में होने वाले दर्द को ईयर एक कहते हैं। मरजावा में इतना कर्कश शोर है, उसके बेहद लाउड बैकग्राउंड स्कोर का और कहानी कहने के तरीके का भी, कि आपके कानों में दर्द का पहाड़ खड़ा हो जाता है। निर्देशक भाई साहब, सीन में खुद की कोई ताकत नहीं है क्या, जो बाहर से कर्कश शोर के माध्यम से सीन को मैनिपुलेट करने में आप अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हो? क्या प्यार से जुड़े सीन और क्या वार से जुड़े सीन, दर्शक अपनी आंखें बंद करके फिल्म देखेंगे तब भी कहानी का हर इमोशन समझ जाएंगे। इसलिए मेरी तरफ से दर्शकों को सिर्फ एक हिदायत कि इस फिल्म को देखते वक्त रुई के फाहे थिएटर जरूर ले जाइएगा, नहीं तो अगर आपकी रूह तक यह कर्कश शोर पहुंच गया ना, तो आपकी आत्मा कई दिनों तक जख्मी रहेगी। इसीलिए ई फॉर ईयर एक। एक बात और बताओ भैया, कि 90 के दशक के मसाला एंटरटेनमेंट से अगर इतना प्यार है कि उसे 2018-19 में दोबारा बनाना बहुत पसंद है, तो क्या फिल्म की IQ को 0/सन्नाटा रखना जरूरी है? मिलाप मिलन जवेरी साहब ने पिछले साल अपनी पहली एक्शन फिल्म बनाई सत्यमेव जयते, उसमें जॉन अब्राहम भाई साहब जब मन करता जहां मन करता वहां पुलिस वालों को आग लगा देते। उन्हें मुंबई में सुनसान पेट्रोल पंप आसानी से मिल जाते, पुलिस स्टेशन में आसानी से वे नकली वर्दी पहनकर इंटेरोगेशन रूम तक पहुंच जाते। मुहर्रम के जुलूस में भारी भरकम भीड़ के सामने जॉन भाई साहब खलनायक को मार देते, लेकिन भीड़ उन्हें कुछ नहीं कहती। फिर निर्देशक साहब भैया भैया वाला एक नया ड्रामा च्विंगम की औकात से ज्यादा खींचते हैं, और इस दौरान एक आदमी भरीपुरी कॉलोनी के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लेता है, लेकिन उसके आसपास खड़े दर्जन भर लोगों को इल्म तक नहीं होता कि कोई आदमी उनके सामने से पेट्रोल का कैन लेकर गुजरा है और खुद को आग लगा रहा है। एक हीरो जॉन अब्राहम जो पुलिस में नहीं है, उसको पता है कि उसके बाप के खिलाफ साजिश की गई थी, लेकिन जो तेज तर्रार हीरो मनोज बाजपेयी पुलिस में है, उसे इस बात का कोई इल्म नहीं। जिसे ये इल्म है, उसे इल्म हुआ कैसे, ये भी फिल्म नहीं बताती है। तो ये दर्शकों को मूर्ख समझने की जो चालाकी है ना, कि टायर फाड़ते जॉन अब्राहम के सहारे हम बासी रोटी जैसी पटकथा को भी टाको की तरह सजा धजा कर बेच देंगे, ठीक यही चालाकी मरजावा में भी दिखाई देती है। मरजावा का ट्रेलर आपको बता ही चुका है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का पात्र रघु अपनी प्रेमिका तारा सुतारिया को गोली मार देता है। फिल्म देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों मारता है, और कसम कॉमन सेंस की, इतनी कम बुद्धि की पटकथा आपने कम ही देखी होगी। जिस नायक के लिए 20-20 आदमियों को मार देना आसान काम है, और आप कई फाइट सीक्वेंस के दौरान ये स्थापित कर चुके हैं, वो नायक 10-20 खलनायकों से घिरी नायिका को बचा नहीं पाता और दबाव में आकर उसे गोली मार देता है। ये कैसा 90 के दशक का हीरो है भाई, जो अपने प्यार की रक्षा तक नहीं कर सकता। कई सारे ऐसे ही लो IQ दृश्यों और इन जनरल बेहद कम IQ वाली पटकथा के चलते मरजावा पर एस फॉर स्टूपिड, एस फॉर सिली और एस फॉर स्लीप इंड्यूसिंग जैसे अलंकार एकदम फिट बैठते हैं। फिर ये फिल्म बोरिंग भी है और टॉर्चरस भी। अगर आपने 90s की नाना पाटेकर की क्रांति भी और अक्षय खन्ना की लावारिस जैसी कई सारी मसाला फिल्में देखी हुई हैं, तो आप समझ सकेंगे कि फिल्म की गंगोत्री किधर बह रही है, लेकिन उन फिल्मों में फिर भी रोमांच था। ऐसा नायक था जो लूप होल्स वाली पटकथा को डूबने नहीं देता था और वैतरणी पार करवा देता था, लेकिन मरजावा का नायक तो गलत कास्टिंग का ही शिकार हो गया। इस फिल्म का नायक एक बस्ती में रहता है, वहां का नामी गुंडा है और बाहर से आई एक लड़की के चलते बदल जाता है। वो जिस खलनायक का दोस्त था, अब उसी का दुश्मन बन जाता है। अब आप बताइए, ऐसी कहानी देखने आप आज के वक्त में मल्टीप्लेक्स जाना पसंद करेंगे? कर सकते हैं, अगर फिल्म में एक्टिंग बढ़िया हो और एक्शन जबरदस्त हो, लेकिन यहाँ तो एक्शन ऐसा स्टैंडर्ड है कि आप उसे सलमान से लेकर अजय देवगन और जॉन अब्राहम की फिल्मों में अनगिन बार देख चुके हैं। फिर इन सितारों को लेकर आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि जॉन अब्राहम की बलिष्ठ भुजाएं 20-20 आदमियों को हवा में उछाल सकती हैं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ना उस तरह के मास हीरो हैं और ना ही उनकी इमेज ऐसी है कि 20-20 लोगों को जब वे मारें
तो दर्शक यकीन कर लें। ऐसे में एक्शन कोरियोग्राफी का चतुर होना बेहद जरूरी था और दिखाया जाना चाहिए था कि नायक आसपास मौजूद विभिन्न प्रॉप्स का उपयोग कर चतुराई से दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, लेकिन इतनी ही मेहनत करनी होती तो फिर मरजावा क्यों बनाते भैया। फिल्म के साधारण एक्शन दृश्यों के अलावा संवाद भी काफी टॉर्चरस है। पता नहीं ये मीटर पर चढ़ाकर संवाद बोलने की बीमारी बॉलीवुड से कब विदा लेगी। वह वारिस है, मैं लावारिस, मारूंगा कनपटी पे, दर्द मिटेगा गणपति पे। फिर एक सिद्धार्थ भाई साहब का डायलॉग है, मैं बदला नहीं लूंगा जोया, मैं इंतकाम लूंगा। सीरियसली डूड, मैं पानी नहीं पीऊंगा जोया, मैं जौल पीऊंगा। मैं जूतों के साथ मोजे नहीं पहनूंगा जोया, मैं जूतों के साथ जुराबे पहनूंगा। अभिनय भी किसी का ऐसा नहीं है कि उस पर अलग से लंबी बात की जाए। रकुल प्रीत जाने क्यों एक रिग्रेसिव बार डांसर की भूमिका करने को तैयार हो गई, जिसके साथ रहने को तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का पात्र राजी है, लेकिन शादी वो जोया नाम की छुई मुई लड़की से ही करना चाहता है। उनका अभिनय भी ओवर द टॉप है और वे बिल्कुल अपने किरदार में नहीं जचती हैं। तारा सुतारिया गजब की खूबसूरत लगी हैं। उनके दांत तो इतने झक सफेद हैं कि बस्ती में कितने भी बवंडर आ जाएं, उनके दांतों की चमक पर कोई चसर नहीं पड़ता। मुस्कुराने और हंसने वाले एक्सप्रेशंस तो वे ठीक से निभा लेती हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्से के, पीड़ा के, डर के एक्सप्रेशंस देकर अपनी रेंज साबित करनी होती है तो वे निर्जीव काठ की गुड़िया बनकर साइड में खड़ी हो जाती हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपने किरदार में बिल्कुल नहीं जचते। मेहनत जरूर 100% करते हैं क्योंकि वे एक समर्पित कलाकार हैं। कपूर एंड सन्स और हसी तो फंसी जैसी फिल्मों में वे बेहद प्रभावी अभिनय कर चुके हैं, लेकिन ना उनकी भुजाएं यहाँ पर इतनी बलिष्ठ हैं कि वे मास हीरो की तरह नजर आ सकें, और ना ही उनकी बाकी की काया उन्हें वो आभा मंडल दे पाती है। संवाद अदायगी में भी वे कोई खास असर नहीं छोड़ पाते और अपने अभिनय से वो कन्विक्शन पैदा नहीं कर पाते जो कि नवाज या रजनीकांत जैसे पतले दुबले अभिनेता घनघोर एक्शन फिल्मों में पैदा करते रहे हैं। मेरी तरफ से बोरियत, कान दर्द, सिर दर्द, मूर्खता और प्रताड़ना के मिले जुले कॉकटेल मरजावा को केवल 1 स्टार। इस फिल्म को जरूर देखिएगा ताकि मेरे द्वारा परिभाषित बेस्ट का अर्थ और दर्द सही मायनों में आप महसूस कर सकें। धन्यवाद।